दिस इज रीता यादव एंड यू आर ऑन गेट केमिकल प्लान एंड इन्फॉर्मेशन टूडे वी विल डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग आई ओ सी एल एग्जामिनेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन पी एस यूज एंड ऑल्सो गोइंग फॉर इंटरव्यूज दैन दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टेन क्वेश्चंस पेट्रोलियम रिफाइनिंग से रिलेटेड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या रिटर्न एग्जाम के लिए जाते हैं चाहे वो आई का एग्जाम हो चाहे वो इफको का एग्जाम हो एच का एग्जाम हो या एम का एग्जाम हो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके इन सारे एग्जाम्स को देने के लिए तो यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम जस्ट स्टार्टिंग द सेशन सो क्वेश्चन नंबर वन इज द मेन एम ऑफ क्रैकिंग इज़ टू प्रोड्यूस गैसोलीन, कोक पेट्रोलेटम और ल्यूब ऑयल होर ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं और क्रैकिंग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वॉट इज दी मेन एम ऑफ क्रैकिंग बेसिकली क्रैकिंग इज दी टेक्निक वेयर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इन टू लाइटर हाइड्रोकार्बन्स देट आर वेरी वेरी यूजफुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक हीटिंग ऑयल डीजल फ्यूल एंड गैसोलीन। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा क्रैकिंग का जो मेन एम होता है इट इज टू प्रोड्यूस द गैसोलीन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टू इज विच इज ईजिएस्ट टू क्रैक एंड द फोर ऑप्शंस आर पैराफींस नैपथींस ओलिफींस एंड एरोमेटिक्स तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जिस भी आपके इस सीरीज़ में पैराफिनिक सीरीज नैपथिनिक सीरीज़ या ओलीफिन है या रोमेटिक्स हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे या ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा उसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता जाता है तो क्योंकि जो पैराफींस हैं दे आर दी स्ट्रेट और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स है फार्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू एंड पैराफींस आर देअर फॉर ईजीएसट टू क्रैक एंड नॉर्मली वी आर ईल्डिंग द्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ टोटल लिक्विड प्रोडक्ट्स बाई क्रैकिंग द पैराफींस तो पैराफींस को जो क्रैक करना होता है एज कम्पेयर टू नेफ्थींस और एरोमेटिक्स वो ईजी होता है क्योंकि उसमें जो ब्रांचिंग होती है वो एज कंपेयर टू अदर जो होती है वो कम होती है और स्ट्रेट चेंस होते हैं ठीक है ठीके? तो यहां पर जो आपका आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा नाउ वी विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रूड टॉपिंग कॉलम ऑपरेट्स एट यहाँ पर पूछा गया है कि जो क्रूड डिस्टिलेशन कॉलम होता है जिसको हम टॉपिंग कॉलम भी कहते हैं वो कितने प्रेशर पर ऑपरेट किया जाता है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज एटमोसफ्रिक प्रेशर टेन एटमोस्फियर वैक्यूम और थ्री एटमोसफियर यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर यह जो आपको पिक्चर दिख रहा है एम सॉरी जो आपको ये पिक्चर दिख रहा है दि दी पिक्चर शोइंग द वेरियस कर्ट्स ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम एंड दीज आर पेट्रोल कैरोसिन डीजल एंड फ्यूल फ्यूलॉइस तो ये जो पिक्चर है दिस पिक्चर इज़ द डिस्टलेशन कॉलम एंड वेरियस कट्स आर गिवेन हेयर टू सेपरेट आउट इंटू दी प्रोडक्ट्स तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो डिस्टलेशन कॉलम होता है वो एटमोस्फ्रिक प्रेशर पर काम करता है एटमोस्फ्रिक प्रेशर पर ही डिस्टलेशन कॉलम या उससे कम प्रेशर पर करता है काम uh, जो वैक्यूम होता है उस पर नहीं करता है जो ये प्रेशर ऑलरेडी दिए हुए हैं थ्री एटमॉस्फेयर और जो टेन एटमॉस्फेयर रहेगा वो भी नहीं होगा तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसी पर डिस्टिलेशन कॉलम हमारा ऑपरेट किया जाता है तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्रैकिंग इज अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्रैकिंग के ऊपर है अभी मैंने आपको बताया कि क्रैकिंग क्यों की जाती है और क्रैकिंग के बारे में पूछा जा रहा है बेसिकली दिस क्वेश्चन इज़ फॉर क्रैकिंग रिएक्शंस क्रैकिंग रिएक्शन इज क्रैकिंग रिएक्शन और क्रैकिंग इज क्रैकिंग कैसा प्रोसेस है इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इट इज़ फेवर्ड एट लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन और नन ऑफ दिस तो यहाँ पर मैं क्रैकिंग के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा और आइडिया दे देती हूँ क्रैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन टू लाइटर हाइड्रोकार्बन्स बाय द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स and this process requires a lot of amount of energy so this process requires high temperature okay so this process is an endothermic process cracking is an endothermic reaction where a lot of amount of energy is required to crack the hydrocarbons into uh, smaller hydrocarbons so here uh, c option is correct option विस ब्रेकिंग प्रोसेस यहाँ पर विस ब्रेकिंग प्रोसेस के बारे में पूछा गया है यूज इज नेचुरल गैस एज अ फीड प्रोड्यूस आइल ऑफ लोअर विस्कोसिटी इज कैरिड आउट एट अट एटमोस्फ्रिक प्रेशर और प्रोड्यूस गैसोलिन ओनली तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आपको हिंट दूंगी कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन आप सही मानते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास विस् ब्रेकिंग के बारे में विस् ब्रेकिंग इज अ माइल्ड थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस विच इज़ यूज टू रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ वैक्यूम रेसिडुअल ऑयल ओके वैक्यूम डिस्टिलेशन रेसिडुअल ऑयल वी डी आर्ट्स बोलते हैं उनको एंड टू प्रोड्यूस फ्यूल ऑयल एंड सम लाइट प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज द ईल्ड ऑफ मोर वैल्यूएबल मिडल डिस्टिलेट्स तो यहाँ पे जो विस ब्रेकिंग प्रोसेस होता है ये एक माइल्ड थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस होता है एंड दिस प्रोसेस इज़ यूज़ टू रिड्यूस द विस्कोसिटी बेसिकली टू रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन रेसिड्यूल ऑयल्स जो रेसिड्यूल ऑयल्स हमें वैक्यूम डिस्टिलेशन के बॉटम से मिलते हैं उनकी विस्कोसिटी बहुत हाई होती है तो उनकी विस्कोसिटी को रिड्यूस करने के लिए विस ब्रेकिंग प्रोसेस यूज़ किया जाता है एंड दिस प्रोसेस produces fuel oil and some other light products also to increase the yield of more valuable middle distillates. तो जब वैक्यूम डिस्टिलेशन से हमें रेस्ड्यूबल ऑयल्स मिलते हैं तो वो बहुत ही हाई विस्कोसिटी के होते हैं उनकी विस्कोसिटी को कम किया जाता है उन और उनमें जो लाइटर कंपोनेंट्स की ईल्ड होती है उसको इंक्रीज किया जाता है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मिडल डिस्टिलेट्स की ईल्ड को इंक्रीज़ करा सकें तो यहाँ पर आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तभी ये सीरीज इंटरेस्टिंग होगी अदरवाइज मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करती हूँ पर कोई भी आंसर नहीं करेगा तो मुझे लगेगा कि आंसर नहीं हो रहे हैं स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग एनी थिंग सो फिर आप समझ सकते हैं uh, कैसे होगा काम सो हेयर आई विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन कैटलिस्ट यूज इन कैटेटिक क्रैकिंग इज़ तो यहाँ पर पूछा गया है कि कैटेलिटिक क्रैकिंग में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है सिलिका जेल सिलिका एल्यूमिना निकिल और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड तो कैटेलिटिक क्रैकिंग के बारे में अगर आप जानते हैं और उसके कैटलिस्ट के बारे में जानते हैं कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं वी विल डिस्कस दिस इन लेटर ऑन लेक्चर सो यहाँ पर बताया गया है रिफॉर्मिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कैटेलिटिक रिफॉर्मिंग कन्वर्ट्स बेसिकली इट इज़ कैटेलिटिक रिफॉर्मिंग बिकॉज रिफॉर्मिंग इज अ कैटेलिटिक प्रोसेस वी यूज कैटलिस्ट इन द रिफॉर्मिंग प्रोसेस कैटेलिटिक रिफॉर्मिंग कन्वर्ट्स ओलिफींस टू पैराफींस नैप्थींस इंटू एरोमेटिक्स नैप्थींस इंटू ओलिफिन्स और नैप्थींस इंटू पैराफींस तो यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के थ्रू एक हिंट दे देती हूँ और उसके बाद आप लोग अपना सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तो यहाँ पर आई हैव एडेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैटालिटिक रिफॉर्मिंग कैटालिटिक रिफॉर्मिंग प्रोसेस इज यूज टू कन्वर्ट पेट्रोलियम रिफाइनिंग नेपथथाज बेसिकली वी आर गेटिंग पेट्रोलियम रिफाइनिंग नेपथथस from the distillation column or from the primary distillation so uh, we are getting naphthas from distilled from the crude oil and these naphthas having the low octane rating and in the catalytic reforming process we are converting this low octane naphthas into high octane liquid products and these high octane liquid products are called reformate तो यहाँ पर आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए आप कैटेलिटिक रिफॉर्मिंग क्या करती है किसको कन्वर्ट करती है ओलिफीन्स को कन्वर्ट करती है पैराफींस में नैप्थींस को एरोमेटिक्स में कन्वर्ट करती है नैप्थींस को ओलिफींस में कन्वर्ट करती है या नैप्थींस को पैराफींस में कन्वर्ट करती है तो यहाँ पर मैंने आपको एक हिंट दे दिया है आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कैटलिस्ट यूज इन कैटेलिटिक रिफॉर्मिंग एस तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कि जो रिफॉर्मिंग प्रोसेस होता है इट इज़ अ कैटेलिटिक रिफॉर्मिंग प्रोसेस बिकॉज रिफॉर्मिंग इज़ डन अंडर द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो यहाँ पर कैटलिस्ट के बारे में ही पूछा गया है कि रिफॉर्मिंग में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है निकिल प्लेटिनम ऑन एल्यूमिनम आयरन एल्यूमिनियम क्लोराइड तो यहाँ पर आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए वी विल डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्लैश पॉइंट ऑफ मोटर गैसोलीन सिंपली जो गैसोलीन है उसका फ्लैश पॉइंट यहाँ पर पूछा गया है डिग्री सेल्सियस में तो यहाँ पर ऑप्शंस आर गिवेन टेन डिग्री सेल्सियस फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और वन फिफ्टी डिग्री सेल्सियस जितना ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करने के लिए ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है आपको लगता है कि आप क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं तो यहाँ पर आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपका आंसर कौन सा है टेन डिग्री सेल्सियस पे होगा फ्लैश पॉइंट फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस रहेगा या फिर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस रहेगा या फिर वन डिग्री सेल्सियस होगा सो so यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑलमोस्ट एबसेंट इन क्रूड ऑयल ये कह रहे हैं कि क्रूड और पेट्रोलियम में कौन सी सीरीज ऑलमोस्ट एबसेंट होती है नैपथींस ओलीफींसाइक्लोपैराफींस या फिर मरकैप्टेंस ठीक है तो देखो मैं आपको इसका एक हिंड दे देती हूँ आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए अगर मैं मरकेप्टेंस की बात करूँ तो मरकेप्टेंस जो होते हैं वो आपके सल्फर जो होता है वो मरकेप्टेंस की फॉर्म में प्रेजेंस प्रेजेंस होता है क्रूड ऑयल में ठीक है और जो साइक्लोपैराफींस होते हैं वो भी क्रूड ऑयल में प्रेजेंट होते हैं नैप्थिनिक सीरीज भी ऑलरेडी क्रूड ऑयल में प्रेजेंट होती है और जो ओलिफिन्स होते हैं वो इनहेरेंटली क्रूड ऑयल में प्रेजेंट नहीं होते बट जब हम क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग करते हैं टू गेट दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो ओलिफिन्स जो होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा रहेगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सीरीज़ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ज़रूर बनाइए क्योंकि जब भी हम कोई सीरीज़ बनाते हैं एज अ टीचर तो हम भी चाहते हैं कि स्टूडेंट्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें पार्टिसिपेट करें जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सकें उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके और वो क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकें तो यहाँ पर मैंने आपको सारे हिट्स दे दिए हैं सारी एक्सप्लेनेशन बता दी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करें थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे